इसके बाद स्टार्ट करते हैं आपके मैसेज कैसे देना है, हाउ टू गिव मैसेज टू यूजर, यूजर फ्रेंडली बनाना है सॉफ्टवेयर तो हमें मैसेज प्रॉपर देने होंगे। तो उसके लिए हम लोग यूज करने वाले हैं यहाँ पर प्रिंट फंक्शन, जो कि बिल्कुल बेसिक फंक्शन है मैसेज देने के लिए। तो चलिए देखते हैं कि क्या इसके डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं जिन्हें आप लोग यूज करते हैं, या कितने तरह से आप प्रिंट फंक्शन को यूज करके अलग अलग चीज़ों को प्रिंट कर सकते हैं। तो देखिए जरा, सबसे पहले मैं यहाँ पर लेता हूँ, आपको यहाँ पर लिखना है लोअर केस में प्रिंट, और मैंने यहाँ पर सिंपल लिख दिया 201, तो ये सिंपल आपको प्रिंट करके दे देगा 201। तो ये आपको कहाँ लिखना है, आप या तो यहाँ पे डायरेक्ट इसको इंटरेक्टिव मोड में डायरेक्ट आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप इसे स्क्रिप्ट मोड में भी जाके डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही लिख के अगर आप एग्जीक्यूट करोगे तो यू विल गेट द आउटपुट 201। ओके, इसके बाद मैं आपको एक और बताता हूँ, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं स्ट्रिंग, जैसे कि पता है हमें स्ट्रिंग को हम लोग डबल कोट्स में इनक्लोज करते हैं, तो ये आपको आउटपुट में दे देगा स्ट्रिंग में जो भी आपने यहाँ पर पास किया है अंकित, वो आपको यहाँ पर ये दे देगा। मोर ओवर अगर आप यहाँ पर ले सकते हैं प्रिंट, और मैंने यहाँ पर लिख दिया 2 + 5, तो ये आपको सिंपल इवेल्युएट करके दे देगा 7। अगर यही चीज अगर मैं अप्लाई करता हूँ स्ट्रिंग के साथ, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया अंकित प्लस कुमार, तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कॉन्केटिनेशन का। मीन सिंपल सा ये एक चीज आप समझ सकते हैं इसे, कि अगर हम दो नंबर को अगर ऐड करते हैं, दो नंबर के बीच में अगर हम प्लस यूज करते हैं साइन, तो इसे हम लोग बोलते हैं एडिशन। और अगर हम यही प्लस साइन अगर दो स्ट्रिंग के बीच में करते हैं, तो स्ट्रिंग को मर्ज कर देता है, स्ट्रिंग को ज्वाइन कर देता है, एंड दिस इज कॉल्ड कॉन्केटिनेशन। तो ये जो एग्जाम्पल है ये आपका एडिशन का है, और यहाँ एग्जाम्पल आपको मिलेगा कॉन्केटिनेशन का। Concatenation means merging of two string or addition or joining of two strings. Okay, अगर मैं इन दोनों को थोड़ा सा combine कर दूं, अगर मैं यहाँ पर लिखूं print अंकित plus 2, तो यहाँ पर ये conceptually बिल्कुल wrong है, क्योंकि आप एक string में एक number को add नहीं कर सकते, logically भी is incorrect, तो ये आपको accept नहीं करेगा and it gives error, तो ये आपको error दे देगा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर आपको यहाँ पे आउटपुट में चाहिए अंकित और 2 चाहिए ही, तो वी कैन डू वन थिंग, हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं अंकित प्लस, और डबल कोट्स इसको हम लोग बना सकते हैं स्ट्रिंग, देन यू विल गेट द आउटपुट अंकित 2 विदाउट स्पेस अंकित 2। एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूं प्रिंट अंकित कॉमा 2, तो प्लस में और कॉमा में देखिए इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है दोनों में, मैंने यहाँ पे यूज किया है प्लस, यहाँ पे मैंने यूज किया है कॉमा, तो दोनों में डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पे आपको जो मिलेगा आउटपुट, इसमें आपको मिलेगी इन दोनों के बीच में स्पेस, यहाँ स्पेस नहीं है पर यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगी, तो कॉमा लगाते तो हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाती है। एक और काम ये कर सकते हैं कि हम लोग यहाँ पर लिखते हैं अंकित और कॉमा लगा के 2 लिख देते हैं, तो ये क्या चलेगा या नहीं चलेगा? लॉजिकली अगर आप सोचेंगे तो आपको लगेगा शायद इसका जैसे ये ने जैसे इसने काम नहीं किया था, बिल्कुल वैसे ये भी काम नहीं करेगा, बट इसमें इसमें डिफरेंस है। देखिए यहाँ पे हम लोग ऐड कर रहे हैं, और दो चीज़ों का एडिशन हमेशा सेम डेटा टाइप में ही होता है, तो अगर आप सेम डेटा टाइप यूज कर रहे हो, नंबर को नंबर में ऐड कर रहे हो, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग में ऐड कर रहे हो, तो चलेगा, बट अगर स्ट्रिंग को नंबर में ऐड करोगे तो इट विल नॉट वर्क। बट यहाँ पे हम लोग एडिशन नहीं कर रहे हैं और कॉमा हम लोग यूज कर रहे हैं, तो कॉमा आपके दो चीजें आपको देगा करकर, एक तो आपको स्पेस तो देगा ही, साथ में इफ यू वॉन्ट टू प्रिंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा इन अ सिंगल प्रिंट स्टेटमेंट में, तो आप यहाँ पर फिर यूज कर सकते हैं कॉमा, तो ये सिंपल आपको आंसर दे देगा, ये आपको कोई भी एरर नहीं देगा। तो यहाँ पर स्पेस के साथ आपको ये आउटपुट दे देगा, और यहाँ पर आपको इसको स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये इजीली काम करेगा, तो ये भी काम कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे प्रिंट स्टेटमेंट है जिन्हें आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं कुछ और बता देता हूँ आपको, जैसे आपने यहाँ पर यूज किया 2 + 9.5, तो यहाँ पर ये इंटीजर है, ये आपका एक फ्लोट है, तो ये आपको सिंपल 11.5 दे देगा, क्योंकि नंबर है और नंबर नंबर में ऐड होगा तो इट वर्क्स। तो ये ऐसे कुछ फॉर्मेट्स हैं जो आप लोग यूज कर सकते हैं। मैं आपको इसमें छोटी सी चीज एक और ऐड करता हूं, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट हेलो एंड अगेन प्रिंट स्टूडेंट्स, तो ये आपको आउटपुट जो है वो आपको हेलो
स्टूडेंट्स ये न्यू लाइन में ही देगा। तो बाय डिफॉल्ट हर एक प्रिंट स्टेटमेंट अपनी एक न्यू लाइन क्रिएट करता है और आप उसी में उसको आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे वो उसको जब प्रिंट करेगा तो वो न्यू लाइन ही ऑटोमेटिकली वो वहाँ पर उसको देगा। तो क्या करें कि अगर आपको यहाँ पर सेम लाइन में प्रिंट करना है हेलो हेलो स्टूडेंट, तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं, बिल्कुल सिंपल सी जो चीज़ है, जो सीधी है बिल्कुल, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आपने लिखा हेलो और आपने यहाँ पर लिख दिया स्टूडेंट्स, तो ये तो बिल्कुल एक बिल्कुल ही सीधी चीज हो गई। बट अगर तो इसमें आपका आउटपुट जो होगा वो आपको मिल जाएगा हेलो स्टूडेंट्स। बट क्या होगा कि अगर आप यहाँ पर अलग अलग प्रिंट स्टेटमेंट्स को यूज कर कर एक ही लाइन में अगर आप आउटपुट लेके आना चाहते हैं तो यू कैन डू वन मोर थिंग। आप यहाँ पर लिख सकते हैं प्रिंट हेलो और फिर इसके बाद आप यहाँ पर लिखेंगे एंड इक्वल्स टू डबल कोट्स। तो ये लिखने से क्या होगा कि हमारा जो जो नेक्स्ट लाइन का जो भी जो मैसेज होगा वो आपको सेम लाइन में आपको यहाँ पर ऐड होकर दिख जाएगा, कॉन्केटनेट होकर मिल जाएगा। तो मैं आपको जरा दिखा देता हूँ, अगर मैंने यहाँ पर लिखा है स्टूडेंट्स क्लोज कर दिया है तो इसका आउटपुट आपको मिलेगा हेलो स्टूडेंट्स। एक और आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर आप यहाँ पर लिखते हैं प्रिंट हेलो प्रिंट 5+2 तो इसका आउटपुट आपको यहाँ पर मिल जाएगा हेलो 7। तो आप यहाँ पर एंड फंक्शन यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पर एंड एक्चुअली एंड एक यहाँ पर एक फीचर है जिसे हम लोग यूज कर सकते हैं प्रिंट का। और इफ यू वांट टू टेक द सेम इफ यू वांट टू टेक द नेक्स्ट लाइन आउटपुट टू द सेम लाइन तो आप यहाँ पर एंड को यूज करके आप इसको लेके आ सकते हैं। तो थोड़ा सा और देखते हैं इसमें। देखिए अगर आपने यहां पर लिखा हुआ है प्रिंट हेलो और जैसे मैंने अभी बताया आपको एंड के बाद मैंने कॉमा लगा दिया और आपने यहां पर लिखा स्टूडेंट्स, तो यहां पर इस कॉमा से क्या होगा कि आपको यहां पर आउटपुट में भी वही मिलेगा, आपको मिलेगा हेलो और इसके साथ आपको यहां पर मिलेगा कॉमा और यहां पर मिल जाएगा स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप स्पेस रखते हैं तो आपको स्पेस मिलेगा, अगर आपने यहाँ पे कॉमा रखा हुआ है तो आपको यहाँ पे कॉमा मिल जाएगा, यानी कि आप यहाँ पे जो भी कैरेक्टर रखेंगे या विदाउट स्पेस भी अगर करेंगे तो इन दोनों के बीच में आपको स्पेस नहीं मिलेगी। एक और देखिए फॉर्मेट प्रिंट हेलो स्टूडेंट्स। देखिए इस केस में ना तो मैंने यहाँ पे कॉमा लगाया है और ना ही मैंने यहाँ पर प्लस साइन यूज किया है। इस केस में क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, या तो ये एरर दे सकता है या फिर ये कुछ प्रिंट करेगा, मतलब दोनों में से एक ही चीज होगी। तो मैं बता देता हूँ, तो इसका जो आउटपुट होगा वो ये देगा कॉन्केटनेशन कर विदाउट स्पेस, जो प्लस का काम होता है ये वही काम आपको कर देगा, तो इसमें स्पेस आपको नहीं मिलेगी। इफ़ यू विल नॉट राइट एनीथिंग इन बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इन प्रिंट स्टेटमेंट तो इट विल कॉन्केटनेट देम, तो ये इसका आउटपुट आपको मिल जाएगा।